हेलो दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है कैलेंडर। रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कैलेंडर। आज इसको हम लेके चलते हैं और इसको आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी सभी को पता होगा क्या ईयर, ईयर के बारे में सभी जानते होंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष होता है, इसमें जो दिनों की संख्या होती है, डेज जो होते हैं वो होते हैं 365, और जो लीप ईयर होता है इसमें दिनों की संख्या होती है कितनी, 366, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये आप सभी को पता चल गया होगा क्या होता है। जो लीप ईयर होता है उसमें दिनों की संख्या 366 होती है, और जो साधारण वर्ष होता है इसमें दिनों की संख्या 365 होती है। या हम कहें जो इसमें फरवरी महीना आता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, और इसमें जो फरवरी महीना आता है वो होता है 29 दिन का। ठीक है, ये आपको याद रहे, ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आगे हम चलाते हैं, लीप वर्ष निकालते कैसे हैं। जैसे अभी तो ये लीप वर्षों की बात आई कि जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो वो लीप वर्ष होता है, पर और हमने ये बताया जो साधारण वर्ष होता है उसमें लीप वर्षों की तुलना में एक दिन कम होता है। तो एक बात हम और बोलते हैं, जो लीप ईयर होता है या लीप वर्ष होता है, जो लीप शताब्दी होती है, ये भी आपको याद रखनी है, लीप शताब्दी वो होती है जो 400 से डिवाइड हो। वो शताब्दी होती है जो कितने से, 400 से डिवाइड हो, या जिसमें 400 से भाग जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। वैसे जो लीप ईयर आता है 4 साल बाद आता है, पर जो शताब्दी होती है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें 400 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तब वो लीप शताब्दी हो सकती है यदि उसमें 400 से भाग जाए। जैसे अभी हम देखते हैं 100, 100 में कितने लीप वर्ष हैं, 100 में जो लीप वर्ष की संख्या है, हम 100 में यदि सीधा सीधा 400 से 4 से भाग दें तो 25 आता है। ठीक है, कितना आता है, यदि हम 100 में 4 से भाग दें तो टोटल आता है 25। 25 लीप वर्ष होने चाहिए, पर 25 लीप वर्ष नहीं होते 100 में, कितने होते हैं, 24 होते हैं। 100 में लीप वर्षों की संख्या होती है 24। क्यों, क्योंकि एक खुद 100 शताब्दी है। जो 100 है इसमें 400 से भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए जो 100 आ रहा है उसमें क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। तो इसलिए 100 में क्या है, 24 लीप वर्ष होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं, इसी प्रकार 200 में देखें, 200 में भी 400 से भाग नहीं जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 200 में, 48 हो जाएंगे, क्योंकि 100 में 24 हैं तो 200 में 48 हो जाएंगे। इसी प्रकार 300 में देखें, 300 में कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, क्योंकि 24 24 से 300 जो लीप शताब्दी, जो 300 शताब्दी है उसमें 400 से भाग नहीं जा रहा। आगे 400 को देखते हैं, 400 में लीप वर्ष, यदि 400 में देखें तो 24 96 तो होते हैं, क्योंकि 24 जो होते हैं 100 में होते हैं,
यदि 300 पे देखें तो 72 हो गया, तो 100 और जुड़ा उसमें कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। पर 400 एक ऐसी शताब्दी है जिसमें 400 से भाग जा रहा है, तो एक ईयर और बढ़ जाएगा इसमें, तो कितने हो जाएंगे इसमें 97 लीप ईयर हो जाएंगे, कितने में 400 में, ठीक है 400 में 97 लीप वर्ष। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब आप हम आपको लीप ईयर ही निकालना बताते हैं, किस प्रकार निकालते हैं। देखिए किस प्रकार निकालते हैं लीप वर्ष निकालना। देखो किस प्रकार निकालते हैं लीप ईयर, यदि हम बोलें कि 1248 में लीप वर्ष बताइए, तो 1248 में लीप वर्ष निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम 1200 को इस तरीका लिख सकते हैं, 1200 प्लस 48 इस तरीका लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 1200 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 12 × 100 लिख सकते हैं, प्लस 48 को ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब हमें ये पता है 12 × 100 में जो लीप वर्ष होते हैं, अभी हमने बताया कितना होते हैं 24 यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, अभी यहीं पे चलते हैं, यहाँ पे 1200 आ रहा है, 1200 में 400 से भी भाग जा रहा होगा, क्योंकि हमने जो 24 लिखा है 100 में लीप वर्षों की संख्या वो ली है जो केवल 4 से डिवाइड हो रही थी, वो नहीं ली जो 400 से भी डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। यदि हम 1200 में देखें तो 1200 में 400 का टेबल जो जा रहा होगा कितनी बार जा रहा होगा, 3 बार, 4 × 3 = 12, तो 400 तिया कितना होंगे 1200 होंगे, तो 3 लीप वर्ष और आ जाएंगे प्लस। अब 48 बचा, 48 में लीप वर्षों की संख्या देखें तो 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दें तो 12 × 48, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब इसकी गुणा करें, 12 × 48 = 8, 12 × 2 = 24, 24 × 4 = 28, प्लस 3 × 12 = 15, इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा 303। तो ये पता चल गया होगा 1248 में जो लीप वर्षों की संख्या कितनी है 403। एक और लेके चलते हैं डाउट निकालने के लिए, हम लिख देते हैं कितना 2020 ही ले लेते हैं, 2020, ठीक है। 2020 में जो लीप वर्षों की संख्या उसको किस प्रकार लिखेंगे, 2000 को सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं 2000 + 20, ठीक है। अभी 2000 को ऐसे लिख सकते हैं 20 × 100, ठीक है, प्लस 20, 20 × 100 में लीप वर्षों की संख्या भी बताई थी कितनी है 24, 24 प्लस, अभी 2000 आ रहा है, तो 2000 में ऐसी शताब्दी आई होंगी जिसमें 400 से भाग जा रहा होगा, तो 2000 में यदि 400 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 बार जाएगा प्लस 20 में जो लीप ईयर आएंगे 4 से भाग देते हैं, 4 × 5 = 20, ठीक है। अब इसका पहाड़ा पढ़ो, 24 × 2 = 48, 10 ये आ गया प्लस 5 × 5 = 10, इसको ऐड करें तो 490। तो लीप वर्षों की संख्या निकालनी आपसे आ गई होगी, ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए, इससे आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास इसका आगे का पार्ट पहुंच जाए। सो प्लीज थैंक यू।